नमस्कार, क्या आपने कभी हल्दी का तिलक लगाया है? आपको याद होगा कि जब आप साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हल्दी का तिलक लगाने को मिलेगा। हल्दी को घी के अंदर भिगोकर हल्दी से तिलक किया जाता है। बात करते हैं सपनों की। तो मित्रों, आप या आपके परिवार का कोई सदस्य लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित है और उस दौरान आप खुद को सपने में हल्दी का तिलक लगाते हुए देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आपकी बीमारी दूर होने वाली है और आपके आने वाले दिनों में स्वस्थ जीवन आपको जीने को मिलेगा और आपके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा होगी। इस सपने के बाद आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। पहले जो बात पर गुस्सा आया करता था, वह गुस्सा आना बंद हो जाएगा। अगर आप सपने में अपने माथे पर हल्दी का लेप करते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले दिनों में आपको नकारात्मक शक्तियों से निजात मिलने वाली है और आप हर किसी कार्य को शांत रहकर एकदम सरलता से करने में सफल होंगे। तो दर्शकों, यदि आप ऐसे शुभ स्वप्न देखते हैं तो आप इस सपने को किसी से भी शेयर ना करें, ना ही किसी को बताएं। आप कोशिश करें कि आप इस सपने को अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यक्तियों से आप इस सपने को बताएंगे, उतना ही इसका जो शुभ परिणाम है वह कम हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि आप इस सपने को अपने तक ही सीमित रखें और आप अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करें कि वह आपको आपके इस सपने का अधिक से अधिक फल प्रदान करें। दर्शकों, अगर आप यह स्वप्न रात के 12 से 2 बजे के बीच में देखते हैं तो सपने का फल आपको 3 महीने के भीतर प्राप्त होगा। यही स्वप्न आप 2 से 4 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 महीने के भीतर प्राप्त होगा। और यही स्वप्न आप 4 से 6 बजे के बीच में देखेंगे तो सपने का फल आपको 1 हफ्ते के भीतर प्राप्त होगा। किंतु दोपहर एवं शाम को सोते हुए देखे गए सपनों का कोई भी अर्थ नहीं रहता, वह स्वप्न निरर्थक माने जाते हैं। तो इसलिए दर्शकों, आप कोशिश करें कि आप ऐसे समय पर अगर स्वप्न देखते हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि उसका कोई भी अर्थ नहीं रहेगा। तो अगर अभी तक आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। राधे राधे। दर्शकों, आप सभी का मंगल हो। आप सभी सदैव हस्त रहें और मुस्कुराते रहें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदैव ही बरसती रहे।